तो व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सबको अपने एक न्यू ब्लॉग में। मैं आपका भाई इत्स कुमार, और चलिए आज मैं दिखाता हूँ कुवैत में कार्स कैसी होती है, और मैं कौन सी कार चलाता हूँ, कौन सी कार मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। और फ़िलहाल अभी यहाँ का सुबह का 9:30 बजा है और मैं अभी उठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, तो मैं सोचा एवरीडे ब्लॉग नहीं कर पाता हूँ, आज फ्राइडे है तो सोचा ब्लॉग कर लेता हूँ एक, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, आप लोगों की प्यार आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे से होगा। और मैं अभी सो के उठा हूँ, समझ लो आधा ही घंटा हुआ है, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। आइए चलिए दिखाता हूँ यहाँ की गाड़ी कैसी होती है आप लोगों को। हाँ, जो लोग नया है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग नया आना चाहते हैं इंडिया से या कोई भी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल कहीं से भी जो भी आना चाहे उसके लिए स्पेशल है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जिनको नई नॉलेज होता है इंडिया में लेफ्ट साइड राइट साइड स्टेयरिंग होती है या लेफ्ट साइड होती है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ चलने का होता है लेफ्ट साइड तो चलते हैं राइट साइड, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आया था पहली बार, तो इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर गाड़ियाँ कैसी होती है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैं अभी अपने घर के बाहर ही हूँ, घर के बाहर नहीं हूँ मतलब अपने रूम के पास हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, दिखाते हैं आप सबको। ये मेरे घर का नज़ारा है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, ऐसा नज़ारा है, ये खजूर का पेड़ है और ऐसा रास्ता है, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तभी का, और ये नज़ारा ऐसा है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत व्यू से गाड़ियाँ एक से खड़ी है, और ये ऐसा है। और फिलहाल मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, ब्लैक कलर की, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये देखो, फिलहाल अभी मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अंदर का नज़ारा। और मैं फ़िलहाल हाफ पैंट पे ही हूँ, मैं हूँ जो अभी तक रेडी भी नहीं हुआ, और ये रहा मैं फिलहाल, देखो यही है, और ये मेरी कार है, तो मैं इस अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ आप सबको। तो गाइस ये रहा अंदर का व्यूज जो काफ़ी खूबसूरत है, आप सब देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो होता है सीट को आगे पीछे लेफ्ट राइट आप जिधर से भी कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के लिए ड्राइविंग करने के टाइम। और ये यहाँ का ऐसा है, आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड स्टेयरिंग होती है और जो इंडिया में राइट साइड है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टार्ट करके, ये स्टार्टर है, आई थिंक अभी जेन्युइनली हर कार आ गई ऑटोमेटिक में स्टार्ट है, ठीक है। और ये ऐसा व्यूज़ है इनसाइड कार का, मेरी कार सर्विस के लिए जाएगी अभी, वॉक्सवैगन का है। आप लोगों को देख के अच्छा ही लगेगा आई थिंक, क्योंकि ये साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं जो आना चाहते हैं कुवैत से, बहुत से दोस्त हैं जो मेरे आने चाहते हैं कुवैत में, उनके लिए ये ब्लॉग स्पेशली बना रहा हूँ। और ये यहाँ का सनरूफ है, ये हमारी कार की जो ऐसे खुलती है, और ये कार मेरी फ़िलहाल पार्किंग में है अभी, हाउस पार्किंग में, और आप सब देख ही सकते हो क्या कार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ पे जॉब करना भी काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे बहुत पसंद है, और जो लोग भी आएंगे आई थिंक उन्हें भी पसंद आएगा, डेफिनेटली हर किसी को पसंद आएगा,
देख ही सकते हैं ये है नज़ारा। मैं यहाँ ऐसा बैठा हुआ हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा लग रहा है। आज फ्राइडे है तो ये मैं वापस बंद कर रहा हूँ सनरूफ को ऐसे। ये सीटर है ऐसा, ऐसी गाड़ी अंदर से दिखती है और क्या बताएं। और दिखाता हूँ गाड़ी कैसे क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी तो स्टार्ट हुई है और गर्मी है तो मैं एसी ऑन कर देता हूँ फ़िलहाल। और ये देखिए ये जो मेरी गाड़ी है हीट नहीं हुई है, मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं किया तो ये पूरा जब तक मैक्सिमम 90% तो फुल होता है, बट मैक्सिमम FC तक जाना चाहिए। तो आप गाड़ी आगे पीछे करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, जैसे फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हैं तो पेट्रोल डालने जाते हैं तो टंकी कौन सा साइड में है। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जिस साइड में टंकी रहेगा उस साइड में ना ऐसा करके एरो दिया रहेगा, उसी साइड में रहेगा ये, उस साइड में आपका टैंक रहेगा। टैंक मतलब ओपन करने के लिए आप वहाँ से देख, वहाँ से समझ सकते हो कि कौन सी साइड है मेरी पेट्रोल डालने के लिए, डीजल डालने के लिए, तो वहाँ से आप सब डाल सकते हो। और ऐसा है, अभी मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक राउंड आप सबको मार के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है सीट बेल्ट हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। ड्राइविंग करते टाइम पे सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें और टेलीफोन भी यूज़ ना करें। मैं जैसे किया था तो प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, तो आप लोग ना करें। ये मैं रिवर्स में जा रहा था और मैं अभी आगे जाने वाला हूँ। ऐसा नज़ारा है जहाँ मैं रहता हूँ, एक कुवैत का एक सलवा है एरिया ब्लॉक 2, वहाँ पे रहता हूँ। और ये ऐसा व्यूज़ है वहाँ का जो मैं अपने गली में सिर्फ आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी होती है यहाँ की गलियाँ और कैसा होता है नज़ारा। स्पेशल आप लोगों के लिए है, आप सब देख सकते हो। और जितने भी लोग कुवैत आना चाहते हैं, हमारे दोस्त भाई जितने भी है, उनको तो नॉलेज हो ही जाएगा, देख के पता चल ही जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा आदि है यहाँ पे, गाड़ी चलाना बहुत ईजी है। लोग तुम्हें बता देंगे ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ की ईजी चला सकते हो। बट हाँ, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए, लेफ्ट राइट जो भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। और देख सकते हो ये यहाँ का नज़ारा व्यूज़ है। यहाँ से राइट ले रहा हूँ, मैं अपने गली में घूम के दिखा रहा हूँ आप सबको। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। इंडिया में भी जनरली ऐसे ही कार होती है, बस स्टेयरिंग का डिफरेंस है और कुछ नहीं। आप इजीली चला सकते हैं जो भी आना चाहते हैं। मेरे से जिसका भी कांटेक्ट होगा मैं कोशिश करूँगा सबको लाने के लिए, वीज़ा देने की कोशिश करूँगा। और ये जो है मेरा घर का व्यूज़ है और मैं यहीं रहता हूँ। और ये मैं आ गया अपना वापस पार्किंग में और वापस पार्क करने जा गया हूँ। पार्क कर दिया मैं गाड़ी, देखिए जैसे पार्क होगा आगे साटेगा, ये सेंसर बताएगा कि आपका गाड़ी आगे टच हो रहा है। तो आप हर तरह से कंफर्टेबल हो, चला सकते हो, इजी है, मतलब एक्सीडेंट होने की चांसेस कम होती है। और जैसे हम यहाँ निंटल में कर दिए, जैसे अभी हम निंटल में कर दिए हैं, अभी हम रिवर्स में कर दिए तो हमारा कैमरा पीछे का चालू हो गया रिवर्स। ये आपकी पूरी कार दिखेगी, ये आपका बैक कैमरा दिखेगा, आपको पता चल जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड मेरी किधर गाड़ी सट रही है नहीं सट रही है। पूरा इजीली है, कुछ नहीं होगा, आप बस ध्यान दें, यहाँ पे आगे पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से सब कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है आप कैसा क्या एक्सपीरियंस हो क्या है नहीं। जैसे आर में डाल दिए तो रिवर्स जाना है और पी में डाल दिए तो पार्किंग चला गया, गाड़ी खड़ा हो गया। बट इसके पीछे एक बटन होता है, वो हर कार में होती है डेफिनेटली, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ जितने भी गाड़ियाँ मैं चलाया हूँ सब में होती है, जो ऐसे प्रेस करने के बाद ही गियर आगे पीछे जाती है। जैसे यहाँ दबाने के बाद फर्स्ट रिवर्स में निंटल डी ऐसे, तो आप ऐसे जा सकते हैं। यहाँ का है जो ये वापस बंद होता है कवर जो होता है शीशे का, और ये सनरूफ
ओपन नीचे होता है इससे। और ये लाइट्स के है बारे में है, मतलब ये लाइट चलना है, ये वाला उसके लिए है। कैसा लगा, क्या लगा, नहीं है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगा एक बाइक के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा जब आप लोग बाइक देखोगे। काफ़ी अच्छा बाइक है और उसके लिए ब्लॉग बनाऊंगा। बस थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, नहाया नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। और देख ही रहे हो आप सब कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप सब अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इट्स कुमार ब्लॉग को। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।